आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के बारे में बात करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं उनको जो जान गया एवं योवेति तत्वतः, जो इन जन्म कर्म को समझ गया, वो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वो ये शरीर छोड़कर पुनर्जन्म, अगली बार दोबारा जन्म, पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। हे अर्जुन, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, ठीक है। त्यक्त्वा देहं, ये शरीर छोड़ने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, यानी कि उसको इस भौतिक जगत में दोबारा से जन्म नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, वो भगवान के धाम में जाएगा, नित्य धाम। उसका जन्म तो होगा, यानी कि एक तरीके से वो जो भी करेगा वो भगवान के धाम में जाएगा, भगवान की नित्य सेवा करेगा, ठीक है। इस तरीके से भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म के रहस्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, है ना। कोई आके बोला एक बार कि भाई, जब कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान उसका वध करेगी, तो उस दोनों को एक ही जेल में क्यों रखा, अलग अलग जेल में रखते थे तो उनका बच्चा ही नहीं होता, तो मारते भी नहीं थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से लोगों को लगता है कि जैसे हमारा भौतिक जगत में जैसे होता है, वैसे ही भगवान की लीला है। ऐसा नहीं होता है। भगवान की लीला, भगवान के जन्म, भगवान की लीलाएं, कर्म, ये सब दिव्य होते हैं, ठीक है। अगर भगवान को लीला करना है तो उनको ऐसी किसी भौतिक विधि या जो हमारे दिमाग में जो आइडिया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान चाहे तो खंभा तोड़ के भी निकल सकते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर सकते हैं, जैसे भगवान नरसिंह देव ने कर दिया, है ना। तो भगवान चाहे तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, है ना। भगवान तो अगर उन्होंने उनके भक्त को कष्ट हुआ था तो उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाके भी परीक्षित महाराज की रक्षा कर ली थी। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो इसको समझ गया वो फिर आगे इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं लेता है, वो भगवान के धाम में, भगवान की नित्य सेवा में संलग्न हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में जो है, पूरे श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में ही है, लेकिन फिर भी दसम स्कंद स्पेशली भगवान कृष्ण के बारे में है। और दसम स्कंद में वृंदावन मथुरा की लीलाएं, वृंदावन गोकुल ये सब लीलाएं, है ना, और फिर द्वारका की लीलाएं सब बताएंगे। तो प्रथम तीन अध्याय में जो है, प्रथम तीन अध्याय में भगवान के आविर्भाव के बारे में बताया गया, ठीक है। तो कि भगवान का जन्म किस तरह से हुआ, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि भगवान का जन्म के कारण क्या हुआ, जो भागवतम बताया गया है। तो भगवान के जन्म का कारण ये हुआ कि धरती पर पाप बढ़ गया था, भूमि देवी इसको सहन नहीं कर पा रही थी, तो भूमि देवी धरती, धरती माता गाय के रूप में जो है ब्रह्मा जी के पास गई, और उन्होंने कहा कि अब जो है मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा पापी लोग मेरे ऊपर आ गए हैं, सभी राजा जितने हैं वो सारे राजा पाप कर्म में लगे हुए हैं, इतने पापी राजाओं की वजह से मेरा ऊपर बहुत ज़्यादा पाप का बोझ बढ़ रहा है। धरती माता कहती है कि मैं ये पाप का बोझ और नहीं उठा सकती, आप कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय स्थिति तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मेरे भी कंट्रोल से बाहर की बात हो चुकी है, अब मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ। तो तुम्हारी मदद के लिए तो, और धरती के साथ सारे देवी देवता भी उनके सपोर्ट में आए कि हाँ भाई, धरती माता की रक्षा हो, इतना पाप बढ़ गया है। इस तरीके से सभी देवी देवता और सब ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी ने कहा तो मैं भी नहीं कर सकता है, तो मेरे भी कंट्रोल से बाहर की बात आ गई, तो फिर क्या करें। तो सारे लोग भगवान विष्णु के पास गए, वहाँ पर क्षीर सागर में, क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी
जो हैं उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ध्यान से उन्होंने कृष्ण से बात किया, तो इसे कहते हैं वाईफाई। पहले से ही था वो, है ना, इसमें एक्स्ट्रा मोबाइल और सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही वो भगवान से बात कर सकते, बिल्कुल डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन, है ना। तो उन्होंने सीधे भगवान से बात किया कि ऐसी ऐसी समस्या है, धरती माता भूमि देवी इस तरीके से व्यथित हैं, इस तरह से परेशान हैं, तो उनकी रक्षा के लिए आप भगवान कुछ उपाय बताएं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वहीं से टेलीकास्ट किया। क्या भगवान ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, आप जो है सबको बता दीजिए कि बहुत ही जल्द मैं आने वाला हूँ, है ना, और मैं आऊँगा, और भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा और सभी पापियों का नष्ट का नाश कर दूंगा और मेरे भक्तों की रक्षा करूँगा, मैं आऊँगा, और आप सबको बता दो कि मैं आने वाला हूँ और वहाँ पर मेरे साथ के लिए, मेरे संग के लिए आप सब लोग भी जो है वहाँ पे धरती लोक पर पहुँच जाएं, और जो है मैं वृंदावन ब्रज में, मथुरा में, गोकुल ब्रज, ये सब जो ब्रज नगरी है वहाँ पर मैं प्रकट होऊंगा, तो तुम लोग सब वहाँ चले जाओ और किसी न किसी रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाओ और मेरे साथ लीला में भाग लो। तो इस तरीके का मैसेज किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान जब, अब ये जो है, जो हमारा भौतिक जगत में है, भगवान तो वैसे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, लेकिन भगवान ने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है भौतिक जगत के अंदर। उस ऑफिस की बात है कि ब्रह्मा जी ने उस ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट डाली थी, तो वहाँ से मैसेज आ गया कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर सब ब्रह्मा जी ने जो मैसेज मिला वो सबको बता दिया। तो ब्रह्मा जी को क्या बोला था भगवान ने कि तुम सब लोग जाके वहाँ पे प्रकट हो जाओ किसी न किसी रूप में और मेरी लीला में भाग लेना, मेरा सहयोग देना। तो ब्रह्मा जी ने भी वैसे ही मैसेज दे दिया कि तुम सब लोग। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब लोग, तो उस तुम सब लोग में वो अपने आप को भूल गए, उनको लगा मेरे लिए नहीं है, जैसा आया था वैसे ही बता दिया। तब कृष्ण ने बोला कि तुम सब लोग चले जाओ, तो उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने सबको बोला तो उसमें ब्रह्मा जी नहीं आए, है ना। ब्रह्मा जी कहने के हम सब लोगों के लिए आदेश, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, भगवान ने कहा कि तुम सब लोग जाओ और गोकुल में जाके वहाँ पे प्रकट हो जाओ अलग अलग रूपों में और कृष्ण की लीला में सहयोग देना। तो सब लोग चले गए। ब्रह्मा जी के दिमाग में आया नहीं कि भैया ये मेरे लिए भी था, मुझे भी जाना चाहिए था, ठीक है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी बाद में ब्रह्मा जी को पता चला कि अरे तो गड़बड़ हो गई। ऐसे ही होता है कई बार, हमको सेवा मिलती है, हम कहते हैं कि आप करो, तो हम आगे उसको पास कर देते तुम करो, है ना, और हम चूक जाते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने से, है ना। तो जो हमें मिले तो हमें करना चाहिए, है ना, नहीं हम पास कर देते हैं, चलो ऐसा बोला है उन्होंने, ऐसा बोला है आप करो, है ना। तो ब्रह्मा जी चूक गए। तो इसको फिर ब्रह्मा जी ने बाद में भगवान से प्रार्थना करी, अरे सारे लोग आपकी लीला में भाग ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। भगवान ने कहा भैया मैंने तो कही थी, आपने समझी नहीं बात, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, अब तो मैं फंस गया। तो फिर उनके लिए स्पेशल एक लीला रचाई गई ताकि ब्रह्मा जी को भी लीला में भाग मिले, और वही लीला है ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने, ब्रह्म विमोहन जैसे उसका नाम है, ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं को देख के मोहित हो जाते हैं, घूम जाते हैं, उनके सिर चकरा जाते हैं, है ना। अभी आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे एक जगह है चौमुहा, चौमुहा जो जगह है वही जगह है जहाँ पे लीला हुई थी ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो ब्रह्मा जी जब उनके चारों सिर चकरा गए वहाँ पे, है ना, तो चौमुहा, चौमुहा ब्रह्मा जी की वजह से उस जगह का नाम चौमुहा पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुँह हैं, है ना। तो हुआ क्या कि जब कृष्ण जो है वहाँ पर एक बार जंगल में, अपना वृंदावन के जंगलों में जाते थे गाय चराने, तो ये सब लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेके जाते थे, खाने का डिब्बा, वहाँ पे सब बच्चे खाते थे एक साथ बैठ के। तो कैसे बैठते थे ये लोग, बीच में कृष्ण बैठते थे, चारों तरफ बच्चे बैठते थे, है ना, और दूसरे उनके सखा। तो देखने में वो ऐसे लगता था जैसे कमल का फूल हो, बीच में कृष्ण, चारों तरफ ऐसे बच्चे बैठते थे, तो लगता था जैसे कमल का फूल हो बीच में वो ऐसे, और फिर अलग अलग कमल दल पंखुड़ियाँ ऐसे बैठते थे, और सारे लोग कृष्ण को खिलाते थे, कृष्ण सबको खिलाते थे, सब एक दूसरे का खाना खाते थे, ठीक है। तो
एक बच्चा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल बेचारा वो अपनी दादी के साथ रहता था, उसको ज़्यादा ये सब फैसिलिटी नहीं थी कि वो अच्छा अच्छा सब कुछ बना के लाए, घर से बनवा के लाए। तो वो कभी इसका खा लिया, कभी उसका खा लिया, ऐसे खा लेता था। तो सब लोग उसको चिढ़ाते थे मधुमंगल को कि तुम कभी खाना अपने यहाँ से नहीं लाते, हमारा खाते रहते हो, ऐसे करके सब चिढ़ाते रहते थे। तो उसने सोचा यार एक दिन मैं भी लेके जाऊँगा, ठीक है। तो अब वो क्या करता था, वो ज़्यादातर उस वो नंद बाबा के घर में ही घूमता रहता था, वहीं खाता था, वहीं सब कुछ वहीं करते थे मधुमंगल, है ना। तो अब उन्होंने कहा क्या करें, क्या लेके जाएं, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। तो मधुमंगल ने एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा घर में बनी थी कढ़ी, ठीक है, क्या बना था कढ़ी। तो कढ़ी रखी हुई थी, वो रखे रखे दो तीन दिन पुरानी हो गई थी। तो मधुमंगल ने सोचा यही लेके चलते हैं, ठीक है। तो कहने को तो जाएगा कुछ लाया है, है ना, सबको दिखेगा कि आज मधुमंगल भी लाया है। और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, जब सब सब लोग खाने लगेंगे उस समय मैं क्या करूँगा, कहीं छिपो पर जाऊँगा और उसको फेंक के आ जाऊँगा, है ना। तो कोई, क्योंकि उनको ये भी चिंता है कि पुराना दो तीन दिन पुरानी कड़ी लोग बच्चे थोड़ी खाएंगे भाई, उनको बीमार हो जाएंगे। उनका कहने को जाएगा लाया था लाया था, फिर भीड़ में कौन देखता है किसने किसका खाया, और मैं जाके चुपचाप जाके वहाँ पर फेंक के आ जाऊँगा। अब वो बात वहाँ पे गए तो अब ये तो और उल्टा पड़ गया। उल्टा क्या पड़ गया कि सब मधुमंगल लाया है टिफिन आज, तो भैया सब ने नोटिस किया, अब तो आज तो मधुमंगल लाया है तो आज तो मधुमंगल का ही खाना है। अभी तो उल्टा पड़ गया, अब मधुमंगल छिपाए, सब लोग बैठे नहीं नहीं लाओ 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 लाओ, भगवान ऊपर से और अरे मधुमंगल मेरे को खाना है करके बोले क्या लाया क्या लाया क्या लाया। तो बोला अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो बोले तब सब बच्चों को लगा इसका मतलब कुछ स्पेशल लाया, तब तो नहीं दे रहा है। तो बच्चे और चढ़ गए कि नहीं हम तो लेंगे। तो कृष्ण बोला इतना स्पेशल है कि तुम अकेले खाना चाह रहे हैं, हमको चाहिए। बोला अरे कुछ स्पेशल नहीं है, कड़ी है। और है फिर तो कड़ी तो हमको बहुत अच्छी लगती है, हमको कड़ी खानी है। तो मधुमंगल ने कहा यार ये तो बासी तीन दिन पुरानी कड़ी है, इसको कैसे कृष्ण को कैसे खिला दें, हैं। तो अब मधुमंगल को संकट आ गया। तो मधुमंगल ने क्या किया, चुप बिल्कुल एकदम से उठ के और पेड़ के पीछे जाके और पूरी कड़ी खुद पी गया। अब जो है कृष्ण ने कहा अरे अकेले पी गया, इधर आके पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको पकड़ के लाए और पूरी पी नहीं पाया, लास्ट से उसके मुंह में ही भरा रह गया, आई से भरा हुआ था कड़ी, ठीक है। अब भगवान ने कहा तुमने पूरी कड़ी खुद खा ली, तप से ऐसे भगवान ने उसके गाल पे यूं मारा तो कड़ी ऐसे पक से ऐसे बाहर निकल के आ गई, ऐसे पूरा उसके ऐसे फैल गई। और जब वो कड़ी बाहर निकल के मुंह वाली ऐसे बाहर निकल के फैल गई तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, उसके मुंह में मुंह चिपका के से तो पूरा चाट के वो कड़ी पूरी ऐसे खा ली। अब जो है ये भगवान ने एक तो बासी कड़ी हुई मधुमंगल के मुंह के अंदर से भरी हुई कड़ी अजीब से चाट के खा ली, कोई चम्मच नहीं थी वहां पे, वो ऐसे नाइफ से ऐसे करके नहीं खाया, बोले जीभ मुंह से मुंह लगा के। और कहीं कहीं तो भक्त ऐसे ही बताते हैं कि वो मुंह से मुंह लगा के और फिर दबा दिया तो उसके मुंह से निकल के सीधे कृष्ण के मुंह में चला गया ना, पकौड़ी भी थी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान ने करा। और ये कौन देख रहा था, ये सब काम हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे थे। अगर आपने देखा हो फोटो, हमारे घर में किचन में यही फोटो लगाया है ना, तो वो ये सब काम चल रहा था वहाँ पे, ऊपर देख रहे थे ब्रह्मा जी बिल्कुल ऐसे हंसवान पे बैठे हुए। ब्रह्मा जी देख रहे थे ये क्या चल रहा है, और ब्रह्मा जी देखे उनके सारे चार के चार सिर चकरा गए, ये क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो भगवान सर्व ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जिनको भोग लगाने के लिए बहुत सारी साफ सफाई की जरूरत है, शुद्ध ब्राह्मण ही उनको भोग लगा सकते हैं, वैदिक ऋचाओं के मंत्रों के द्वारा भोग लगता है, ऐसा भगवान जिसको स्वयं लक्ष्मी खिलाती हैं, लक्ष्मी जिनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, वो भगवान लक्ष्मी जी वैकुंठ में कमल घुमाती रहती हैं। ऐसा बताया कि लक्ष्मी जी हजार रूप रख के, हजारों लक्ष्मियां, हजार ये लक्ष्मी जी हजार रूप रख के
बैकुंठ में झाड़ू लगाती हैं, इसका मतलब बैकुंठ में बहुत गंदगी होगी। 1000 रूप रख के झाड़ू लगानी पड़े, इसमें तो बड़ी गंदगी है बैकुंठ में भाई। ऐसा नहीं है, बैकुंठ में गंदगी नहीं है, बैकुंठ चिंतामणि धाम है। वहां पे तो फर्श इतना ज्यादा स्वच्छ है कि आपका चेहरा भी दिख जाए। वैदूर मणि, ऐसी ऐसी मणियां जिनको हमने देखना तो तू नाम भी नहीं जानते, ऐसी मणियों से बना हुआ, चिंतामणियों से बना हुआ है। चिंतामणि होती है, जो सोचो वो मिल जाता है, ऐसी मणियों से वहां पे रोड पे बनी है। अपने सीमेंट के पत्थर नहीं वहां बिछे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ स्वच्छ में लक्ष्मी जी झाड़ू क्यों लगा रही है? लक्ष्मी जी इसलिए झाड़ू लगा रही कि ये परम भगवान कम से कम कोई काम कर रहा है तो करके देखेंगे, नहीं कौन कर रहा है यार। तो इस बहाने से कम से कम भगवान का अट्रैक्शन तो हमारी तरफ आएगा, भगवान मेरी तरफ देख तो लेंगे। ये तो लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी को भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए झाड़ू लगानी पड़ रही है बैकुंठ में, वो भगवान। और तो और एक हाथ से झाड़ू लगाती हैं, दूसरे हाथ से कमल घुमाती हैं कि कम से कम झाड़ू लगाने तो वाले यहाँ बहुत होंगे, तो कमल घुमाने में शायद उनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगी, ये क्या घूम रहा है करके शायद मेरी तरफ देख लें। तो वो लक्ष्मी है, और वो लक्ष्मी कौन? पूरा विश्व संसार जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है ना, वो लक्ष्मी उस कृष्ण, उस विष्णु, उस नारायण को अपने ध्यान, अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो लक्ष्मी झाड़ू लगा रही हैं। और वही कृष्ण, वही नारायण आज ये एक साधारण से गोप है, ग्वाले के मुंह की निकली कड़ी के लिए मरा जा रहा है, वही भगवान जिस पे बड़े बड़े देवता जिसकी पूजा करते हैं, शिव जैसे बड़े बड़े देवी देवता जिसकी आराधना करते हैं, उमा देवी से भगवान शिव कहते हैं। उमा देवी ने देखा कि शिव जी तो हम सब लोग शिव जी के पास आते हैं और शिव जी सबको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कभी कभी शिव जी भी किसी का मंत्र पढ़ते रहते हैं, कभी कभी शिव जी भी किसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उन्होंने पूछा, आप किसके ऊपर ध्यान लगाते हैं? तो जब समुद्र मंथन की लीला हुई, मोहिनी अवतार वाली लीला हुई, तो उसके बाद शिव जी कहते, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं किसके ऊपर ध्यान लगाता हूँ, आज देखो यही है मेरे भगवान जिनके ऊपर मैं ध्यान लगाता हूँ। आज देखो मुझे बेवकूफ बना के गए, मुझे भी इन्होंने मोहित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इस तरीके से वो शिव जिनकी आराधना करते हैं, राम राम निरंतर शिव जी जपते रहते हैं, कहते हैं जो काशी में मरता है उसको हमेशा मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को मुक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि काशी किसकी नगरी है? भगवान शिव की। और भगवान शिव ने ये शपथ ली है, प्रतिज्ञा करी है, क्या? कि जो भी काशी में मरेगा, मैं मरने से पहले उसके कान में जाके राम बोल के आऊंगा, और जब वो मरते समय राम सुन लेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए काशी में सबको मुक्ति मिलती है, इसलिए लोग कहते काशी में जाके मरो, है ना। तो ऐसे भगवान शिव जिस कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, आज वो कृष्ण ऐसी स्थिति में है कि वो एक बासी 3 दिन पुरानी कड़ी के लिए मरा जा रहा है, मतलब मुंह से निकाल के खा रहा है, मतलब इतनी गई गुजरी स्थिति आ गई है। तो ये सब देख के तो ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे, भैया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भी ये तो कुछ ज्यादा हो गया, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये कोई और तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कोई और है, ये है क्या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यही है क्या पूर्ण भगवान? तो ये पता करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक काम करा। क्या काम करा ब्रह्मा जी ने? जो है वहीं पे गाय बछड़े होते थे, बछड़े वहीं पे ग्वाल वाल सब अपना खाना खा रहे थे, है ना। तो बछड़े साइड में जो चर रहे थे घास, उनको ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया और कहीं अपनी जगह पे लिटा दिया, सुला दिया। अब जब बच्चे सब खाना वाना खा रहे थे, तो एक बच्चे कहते, यार बछड़े नहीं दिख रहे भाई। दूसरा कहते, हाँ यार यहीं कहीं होंगे। बोले, नहीं नहीं देखो, जरा देखो बछड़े कहाँ चले गए।
तो एक बच्चा उठ के खड़ा होने लगा कि मैं जाके देख के आता हूँ। तो भगवान कहते नहीं 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 तुम बैठो। तो दूसरा कहते मैं जाऊँ क्या, यानी तुम सब बैठो, तुम लोग अभी खाने का समय है, तुम लोग आराम से खाओ, मैं जाके देख के आता हूँ। तो भगवान भी ऐसे खा ही रहे थे, हाथ में लिए हुए थे वो अपना खाने का निवाला, और उसी समय कहते तुम लोग बैठो और मैं अभी जाके देख के आता हूँ। भगवान स्वयं अपने भक्तों को खाना खाने समय परेशान नहीं करना चाहते थे। भगवान स्वयं अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो उनको क्यों डिस्टर्ब करना, वो स्वयं उठ के चले गए। मैं जाके पता करके आता हूँ, तुम लोगों का खाना तो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, तुम लोग आराम से खाओ, मैं जाकर। तो वो खुद भी नहीं खाए, वो उसको लिए लिए चले गए जंगल में देखने के बछड़े कहाँ चले गए। तो इधर उधर सब जगह देखा, कहीं पे बछड़े दिखे नहीं, वापस आए बच्चे गायब। उधर कृष्ण गए बछड़ों को ढूंढने, यहाँ ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी गायब कर दिया। अब जब वहाँ बछड़े गायब, यहाँ कृष्ण के सखा गायब, तो कृष्ण तो कृष्ण है, उनको एक सेकंड भी नहीं लगा कि किसकी कलाकारी है ये पता करने में, तुरंत पता कर लिया उन्होंने। तो कृष्ण बोले अच्छा है हमसे। तो कृष्ण ने तुरंत जितने बछड़े थे और जितने बच्चे थे तुरंत अपने शरीर से ही प्रकट कर दिए। सेम, जिसने जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस, जिसकी जितनी हाइट थी वही, जिसका जैसा हेयर स्टाइल था वही, सब कुछ एग्जैक्ट सेम टू सेम बच्चे और सेम टू सेम बछड़े एकदम वैसे ही प्रकट कर दिए। और अपना खाया पिया, अपना शाम को घर गए। शाम को सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, बछड़े अपनी अपनी गायों के पास चले गए। तो भागवतम में वर्णन आता है कि उस समय जो है, उस दिन जब वो बच्चे अपने घर आए तो माताएं अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही प्रेम कर रही थी। यहाँ तक कि जैसे किसी किसी माता का एक छोटा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, और एक बड़ा बच्चा जो बछड़ा चराने गया था, तो दूध पीते बच्चे को फेंक के उसको साइड में रख के वो सारा प्रेम इस बच्चे को दे रही थी। इस तरह से गाय जो अभी अभी पैदा हुआ बछड़ा है उसको ध्यान ना देके इस बछड़े को ध्यान दे रही थी, इतना ज़्यादा जो इस तरीके से वहाँ पे पूरा चलता रहा। और फिर अगले दिन वही काम, बछड़े गए, बच्चे गए चराने, ये सब चलते चलते एक साल तक चला ये काम। एक साल तक ये लीला चली, किसी को पता नहीं चला कि उनके बच्चे भी नहीं है, उनके गाय के बछड़े भी नहीं है। एक साल तक क्यों चला, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो बस एक क्षण के लिए बच्चे को और बछड़ों को चुराया था, कितनी देर के लिए, एक क्षण के लिए। लेकिन भैया ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ तो एक साल हो गई है कि नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ने बस एक क्षण के लिए वहाँ रखे, सुला दिए और वापस यहाँ आके देखा, यहाँ देखा तो सारे बछड़े हैं, सारे बच्चे हैं, सब ग्वाल वाल पूरा सब वैसे ही कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ देखे तो सब सो रहे हैं, यहाँ देखे तो सब खा पी रहे हैं, बढ़िया गायें चल रही हैं, बछड़े चल रहे हैं, सब बढ़िया काम चल रहा है। फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर सिर चकरा गए, यार ये क्या हो रहा है, है? तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था काम क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मेरी बुद्धि से ऊपर हो गई, चार के चार सिर नहीं समझ पा रहे हैं कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर ब्रह्मा जी ने समर्पण कर दिया और कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए कि हमको आप समझाएं कि है क्या ये। अब ये लीला हुई क्या थी कि एक साल तक चली ये लीला और किसी को पता नहीं चला। बलराम जी ने एक दिन नोटिस किया, तब कृष्ण ने बलराम जी को बताया। एक दिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर बलराम जी ने ध्यान दिया कि गायें कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही हैं बड़े बछड़ों से। तो बलराम जी को डाउट हुआ कि यार चल क्या रहा है। तो फिर कृष्ण से पूछा, अरे क्या है ये। कृष्ण कहते हैं अरे बताऊंगा, अरे मेरे को ही नहीं बताया करके। तो फिर कृष्ण ने उनको समझाया कि ये इस तरह की लीला है। तो इस एक साल में एक भी वहां बच्चे नहीं थे, असली जो वाले ग्वाल वाल एक भी नहीं थे वहां पे, सब कृष्ण के ही रूप थे, लेकिन रूप थे वो ग्वालों के रूप में, उन छोटे छोटे बच्चों के रूप में। तो इस एक साल में इन सभी ग्वालों की शादियां हुई हैं गोपियों से। तो वास्तव में किसी गोपी की शादी किसी और से नहीं हुई, कृष्ण से ही हुई है। कई बार लोग समझते हैं कि वो तो अपने पति को छोड़ के कृष्ण के साथ, एक्चुअली में वो शादी
वो लीलाएं सब इतनी अच्छे से सेट की गई थी भगवान द्वारा कि उस एक साल में शादी हुई इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के साथ। तो इस तरीके से ये जो है ब्रह्म विमोहन लीला हुई। फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने स्तुति करी, कृष्ण की स्तुति की कि हमको आप क्षमा करें। और कई श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। फिर कृष्ण उनको, कृष्ण ने फिर वही सारे ग्वाले, वही सारे जो रूप थे वो सब जो है चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप बन गए। और फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि हाँ ये एक्चुअली में स्वयं भगवान है और ये कृष्ण है, ये स्वयं भगवान है, मेरे अधिष्ठाता देवता यही हैं, जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है वो यही हैं, जिन्होंने सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का निर्माण करने से पहले जिन आदि पुरुष गोविंद ने मुझे ज्ञान दिया था वो यही हैं, जो यहाँ पे एक सिंपल साधारण से ग्वाले के रूप में बैठे हुए हैं, ये वही आदि पुरुष गोविंद हैं, वही ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम पूरी ब्रह्म संहिता बोली है, ये वही ब्रह्मा जी को यहाँ पे भ्रम भी हो गया है। तो हमें कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि अब बस मुझे सब पता चल गया, मैं तो बिल्कुल बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूँ, अब मैं तो ब्रह्मा जी को चक्कर खा सकते हैं। तो हम भी कभी कभी भगवान में, हम तो हैं ही चक्कर में, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि बस अब सब हो गया है। तो इस तरीके से भगवान ने ये लीला करी है, ब्रह्म भगवान लीला, और फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी को कृपा करी है। पर फिर भी ब्रह्मा जी को अपने आप में ये एक दुख था कि उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया भगवान के साथ, इतना बड़ा भगवान के प्रति अपराध किया। तो इस क्यों अपराध किया? अपराध इसलिए हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे मेरे पद का मान था, घमंड था कि मैं इतना बड़ा पद पे बैठा हुआ हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। एक हिसाब से इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद ब्रह्मा है, तो उसमें ब्रह्मा हूँ करके उनको थोड़ा जो ये घमंड हुआ, ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे इस घमंड की वजह से मैंने कृष्ण के ऊपर इस तरह से सोचा और अपराध किया। तो इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप जो है मुझे कुछ नहीं तो इस ब्रज में एक धूल का कण बना दो ताकि जो है आपके भक्तों के चरण मेरे ऊपर पड़ते रहें। और फिर अगली बार ब्रह्मा जी जो है हरिदास ठाकुर के रूप में एक यवन परिवार, एक मुस्लिम परिवार जो कि बिल्कुल निम्न स्तर का परिवार होता है, उसमें निम्न कुल में ब्रह्मा जी पैदा हुए हरिदास ठाकुर बन के। निम्न कुल में क्यों पैदा हुए? ताकि मुझे कोई घमंडी ना रहे, इतना नीचा होके आऊँगा मैं कि मुझे कोई घमंडी ना हो अपने कुल का, किसी भी चीज़ का, धन संपत्ति कुल किसी भी चीज़ का घमंड ना रहे, बिल्कुल निम्न बन के आऊँगा। और सिर्फ एक चीज़ अपराध से मुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहना। तो वो उस निम्न कुल में आए और भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहे, करते रहे, करते रहे, हमेशा हरिदास ठाकुर 300,000 नाम हर दिन करते थे। इस तरीके से उन्होंने हमको सिखाया कि अगर कोई अपराध हो जाए तो हमको कैसे उस अपराध से बचने का उपाय करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान ने जो है ब्रह्मा जी जो कि वो चूक गए थे वहाँ पर, उनकी उनको लीला में स्थान दिया और ये लीला ब्रह्म विमोहन लीला भगवान ने की। इसके साथ जो है भगवान, जब ये भगवान ने, जब ब्रह्मा जी ने बता दिया सबको, सारे देवी देवता ब्रज में प्रकट हो गए अलग अलग रूपों में, और फिर स्वयं भगवान जो है ब्रज में अपना प्राकट्य करते हैं। ठीक है, तो भगवान ब्रज में क्यों प्रकट होते हैं या भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। ठीक है, कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्या कारण है? कंस को मारना कोई इतना बड़ा काम है क्या कि भगवान को खुद आना पड़ेगा? अरे जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, किसी को मारना वहीं से बटन दबा दिया खत्म, उसको नीचे आने की जरूरत थोड़ी है। राम रावण युद्ध हो रहा है, राम लड़ रहे हैं, रावण लड़ रहा है, तो अरे यार जिस भगवान की कृपा से पानी से वो कनेक्शन ख़त्म कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे आपने अपने के मोबाइल सिम कार्ड का बैलेंस नहीं कराया, रिचार्ज नहीं कराया, तो उनको वहाँ से आपके फ़ोन को पकड़ के करने की जरूरत नहीं है, फ़ोन मत करो, है फ़ोन मत करो, तुमने बिल नहीं दिया है, फ़ोन मत, ऐसे थोड़ी ज़रूरत है।
वो वहीं से डिस्कनेक्ट कर देंगे, खत्म। तो कृष्ण तो सर्व सबसे बड़े कंट्रोलर हैं, ईश्वर माने होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला। तो सभी नियंत्रण करने वालों को जो नियंत्रित करता है, सबसे बड़ा जो कंट्रोलर है, नियंता है, वो है कृष्ण। तो उनको क्या जरूरत है ये सब करने की, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आते हैं। तो क्यों आते हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस बात को समझना चाहिए, है कि नहीं? तो भागवतम में 1-2-17 में बताया गया, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतो स्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम, कि जब कोई व्यक्ति भगवान के लीला कथा को सुनता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जब कृष्ण की कथा को कोई व्यक्ति सुनता है, और वो कथा कैसी होती है, पुण्य, वो श्रवण कीर्तन पुण्य होता है, वो सब कुछ शुद्ध करने वाला होता है। तो वो कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति अपनी जो वास्तविक चेतना है उसको प्राप्त कर लेता है। वास्तविक चेतना माने कि व्यक्ति कृष्ण का दास है, जीवेर स्वरूप, इस बात को व्यक्ति समझ जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है, वैसे भगवान को यहाँ आके कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्यों, भगवान का धाम खुद है, सच्चिदानंद धाम है, है ना? और ये क्या है, ये भगवान का धाम क्या है, सच्चिदानंद में, यानी कि सत चित आनंद, और ये धाम कैसा है, असत अचित और निरानंद, ठीक है? तो भगवान यहाँ क्यों आते हैं, भगवान यहाँ इसलिए आते हैं ताकि जो है वो यहाँ आके कुछ लीला करें, और जब वो लीला करेंगे तो उनके भक्त लोग उस कथाओं को दूसरों को सुनाएंगे, उन कथाओं को सुनने के बाद जो है व्यक्ति का हृदय पवित्र होगा, और व्यक्ति अपनी चेतना में आ जाएगा कि हम कृष्ण के दास हैं, और वो कृष्ण की सेवा करेगा, और फिर वो भगवत धाम भी जा सकेगा, ठीक है? और इसका मतलब भौतिक जगत के दुखों कष्टों से वो बच सकता है। चार तरह के कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 तरह के क्लेश हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अध्यात्मिक, तो इन सबों से वो बच सकता है। तो वैसे भी जीव अपनी गलतियों की वजह से इस भौतिक जगत में फंस गया है, लेकिन भगवान इतने दयालु होते हैं कि वो जीव को बचाने के लिए परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं। सुहृत सताम, सर भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना? भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं सभी का सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद यानी बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान, वैसे और सारे लोग होंगे हमारे, हमको लगता है ये हमारा मित्र है, ये हमारा संबंधी है, रिश्तेदार है, लेकिन सब एक समय हमको छोड़ के जा सकते हैं, कोई जानबूझ के, कोई मजबूरी में, कोई ना कोई छोड़ेगा, लेकिन भगवान कभी हमको नहीं छोड़ते हैं। भगवान हमेशा जीव के साथ जाते हैं, भले जीव एक कीड़े के शरीर में क्यों ना चला जाए, कॉकरोच बन जाए, छिपकली बन जाए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, कुछ भी बने, उसके कोई भी जीव आप देखो, चींटी देखो, कीड़े देखो, बरसात के मौसम में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, हर कीड़ा छोटा सा भी हो उसके अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा और जो मैं हूँ दोनों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि सेम गुण है, सेम साइज है, सब है, है ना? तो वो भी है, हमको समझना चाहिए कि वो कीड़े के अंदर जैसे मैं हूँ इस शरीर के अंदर, ऐसे वो उस शरीर के अंदर है, और उसमें परमात्मा भी है साथ साथ। तो परमात्मा जैसे एक चींटी जा रही है तो हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर परमात्मा है, मक्खी उड़ रही है उसके अंदर परमात्मा है, समझ में आ रहा है? तो भगवान तो नहीं छोड़ रहे कि भाई तुम कहाँ ये गंदी नाली के कीड़े बन चुके हो, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ, भाई भगवान नहीं छोड़ते हैं, भगवान वहाँ भी उसके साथ आते हैं कि इसको कोई कष्ट ना हो, भगवान उसके परमात्मा के रूप में हमेशा चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, क्यों, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, बाकी लोग छोड़ रहे हैं, है ना? बाकी लोग तो ऐसे बताया गया, जैसे आप नदी में जाएंगे तो नदी बहती रहती है, तो नदी में दो पत्ते तैर रहे हैं,
तो कभी लहरों की वजह से वो एक साथ हो जाते हैं, एक साथ साथ तैरते हैं, फिर लहर आई तो दूर दूर तैरने एक एक किनारे में चले गए, फिर जुड़ गए, फिर मिल गए, फिर किसी और पत्ते से मिल गया, ऐसे चलता है। तो ऐसे ही जीवात्माओं को लगता है कि हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, पर ये कनेक्शन उतना ही है जैसे नदी में दो पत्ते जुड़ गए, फिर वो किसी और से जुड़ जाएगा, फिर किसी और जुड़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो जीवन की तरंगों में इस तरह से लोग आते हैं, बहते जाते हैं और मिलते जाते हैं। इस जन्म में कोई किसी का भाई बंधु था, अगले जन्म में हो सकता है दुश्मन बन जाए, अगले जन्म में कुछ बन जाए कुछ बन जाए, ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे साथ कभी भी संबंध नहीं तोड़ता, वो कौन है? कृष्ण। इसलिए उनका सुहृदम सर्वभूतानां, तो वो कृष्ण हमसे इतनी दया रखते हैं, इसलिए परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और तो और इतना भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो दूसरे रूपों में भी आते हैं हमारी मदद करने, प्रसाद के रूप में, गीता के रूप में, मंदिर में विग्रह के रूप में, भक्तों के रूप में, गुरु के रूप में, बहुत सारे तरीकों से भगवान हमको हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। तो जब भगवान अवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं तो किस तरीके से आते हैं कि भगवान हमको इसलिए अवतार लेते हैं ताकि उनकी लीलाएँ हो सकें, नहीं तो किसी भी राक्षस को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से मार सकते हैं। लेकिन जब वो आते हैं लीला करते हैं तो भक्तों को वो लीलाएं पता चलती हैं, भक्तों लीलाओं का गुणगान करते हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं और उन कथाओं को सुन के बहुत सारे भक्त जो है शुद्ध भक्त बन जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें बात एक है कि कथा जो है वो है ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अपराध हो जाएगा, अपराध होगा तो फायदे की जगह नुकसान होगा, ठीक है। तो चाहे श्रवण हो चाहे कीर्तन हो, दो चीज़ का यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण और कीर्तन दोनों में ध्यान पूर्वक करना चाहिए, इसलिए जब नाम अपराध हम बोलते हैं तो अंत में बोलते हैं कि सभी भगवान के नाम का जप करते समय असावधान रहना, ये भी एक अपराध है। और सारे अपराधों की जड़ यही है कि हम कीर्तन या जप करते समय असावधान हैं, यानी कि हम कई और काम भी कर रहे हैं साथ साथ, है ना। तो कथा इसलिए कहते हैं कि जब कथा होती है तो स्पीकर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जो कथा बोलता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो पूरा अटेंशन, वो कहीं और कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो जो कथा ध्यान पूर्वक, चाहे जप हो कीर्तन हो चाहे कथा हो, जितना ज़्यादा ध्यान से सुनी जाएगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसीलिए जब धुंधुकारी ने, भागवत महात्मा में आप सबने कथा सुनी होगी कि जब धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जी ने कथा करी और सभी गांव वालों ने भी सुनी, लेकिन एक ही विमान आया बैकुंठ से और वो धुंधुकारी को लेके जाने लगा, तो सब गांव वालों ने कहा, अरे वाह कथा तो हम सब ने सुनी, उसको अकेले लेके जा रहे हो आप, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया गोकर्ण जी। तो उन्होंने भी पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, कथा तो सबने सुनी थी। तो विष्णु दूत बोले कि कथा तो सबने सुनी थी लेकिन धुंधुकारी ने सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनी थी, इसलिए उसको पूरा फ़ायदा मिला, आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी। तो बोले ऐसा हमको बताया नहीं था, बोले अब तो पता चल गया, बोले फिर कथा करो। तो फिर से कथा करी गई और फिर सब, अब तो सबको पता चल गया था कि ध्यान से सुनना है तभी जा पाएंगे। तो फिर जब दोबारा से कथा हुई तो फिर सारे लोगों ने, पूरा गांव ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, है ना। कोई और काम नहीं हो रहा था, बिल्कुल कान अलर्ट है, बिल्कुल ध्यान से सबने कथा सुनी। तो कहते हैं कि जिस तरीके से सतयुग में भगवान श्री रामचंद्र पूरे अयोध्या वासियों को साकेत लेके चले गए, उसी तरीके से गोकर्ण जी पूरे गाँव वालों को बैकुंठ जो है विमान में बिठा के बैकुंठ लेके चले गए, पूरा गांव को गांव बैकुंठ चला गया, इतने विमान आए सबको लेके गए, क्योंकि सबने कथा ध्यान से सुन ली थी। इसलिए हमको लगता है हम इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, इतने दिनों से माला कर रहे हैं, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा नंबर कब आएगा? तो नंबर जब आएगा जब हम ध्यान से कथा सुनेंगे और ध्यानपूर्वक जप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कथा आती है। तो श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है श्री गोपाल चंपू, उसमें इस तरह से कथा है कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि नंद बाबा के यहाँ पे, नंद बाबा और यशोदा को, यशोदा माता को कोई बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था, तो बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने सारे व्रत थे और उपाय सब कर लिया था। तो फिर एक दिन जो है यशोदा माता ने बताया कि हमने सारे उपाय किए हैं, खाली द्वादशी व्रत नहीं किया है ना। द्वादशी व्रत का मतलब एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी को एक निश्चित समय में
खोला जाता है ना। जैसे आपने, हम लोग ज़्यादातर इस्कॉन में एकादशी उसी तरह से मानते हैं कि एकादशी करते हैं पूरा दिन, और अगले दिन द्वादशी वाले दिन उससे एक निश्चित समय में ही व्रत खोला जाता है, इसे कहते हैं द्वादशी व्रत या एकादशी व्रत। तो इस तरह का व्रत हमने नहीं किया है, यशोदा माता ने कहा, तो ये भी हमको करना चाहिए। तो नंद महाराज ने कहा बहुत अच्छा है, करेंगे। तो इस तरह से एक साल तक उन्होंने व्रत किया। एक साल के बाद जो है उनको भगवान ने स्वप्न में कहा कि हाँ भाई, हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे। हर कल्प में हम आते हैं, तो इस कल्प में भी हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे। तो इस तरीके से फिर जो है भगवान, फिर एक बार नंद महाराज अपने राजसभा में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक साधु आए, उनके साथ एक ब्रह्मचारिणी योगिनी भी थी, एक ब्रह्मचारी था। इस तरह से सब लोग आए, उनका नंद महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो यशोदा माता ने उनसे अपना समस्या बताया, और रोने लगी कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो उस ब्रह्मचारिणी ने भी उनको जो है आशीर्वाद दिया कि जो है अब तुमको एक पुत्र प्राप्ति होगी, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस जो है आने वाली जो तिथि है अष्टमी, उसमें पुत्र का जन्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको बताया। फिर नंद महाराज को एक दिन सपना आया, स्वप्न में भगवान स्वयं हरि नंद महाराज के हृदय में प्रकट हुए, फिर नंद महाराज के हृदय से माता यशोदा के हृदय में, और फिर उनके गर्भ में भगवान प्रकट हुए। तो इस तरीके से भगवान जो है गर्भ में आते हैं, ना कि जैसे हमारे विचार हैं वैसे, ऐसा नहीं। भगवान जो हृदय में आए नंद महाराज के, और फिर माता यशोदा के गर्भ में गए, और फिर भगवान ने जन्म लिया। तो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को भगवान ने यशोदा माता के घर में, नंद महाराज के घर में भगवान जो है प्रकट हुए। अब जो है हमने सुना है इस तरह से श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं, लेकिन एक कथा है कि देवकी के यहाँ पे प्रकट हुए थे, और फिर वहाँ उनको ले जाया गया था, है ना। तो उसका ऐसा है कि भगवान प्रकट तो जब, जिस समय भगवान कृष्ण देव यशोदा माता के यहाँ पर गोकुल में प्रकट हुए, उसी समय जो है एक और कृष्ण जो है मथुरा की जेल में देवकी के यहाँ प्रकट हुए, लेकिन उनके चार हाथ थे, और वसुदेव देवकी ने उनकी स्तुतियाँ की वहाँ पर। तो वो जो कृष्ण थे उनको इसलिए वसुदेव के पुत्र होने से उनको वासुदेव कहते हैं, और जो नंद महाराज के यहाँ कृष्ण प्रकट हुए उनको स्वयं कृष्ण कहते हैं, स्वयं भगवान हैं। तो वो स्वयं भगवान कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद नंदन हैं, यशोदा नंदन हैं, उन यशोदा नंदन का एक अंश ये वासुदेव हैं, देवकी पुत्र, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। फिर जब ये देवकी के पुत्र प्रकट हुए, चार हाथ में हुए, उन्होंने उनसे आदेश किया कि आप हमको गोकुल में ले चलें। तो फिर वहाँ से वो वसुदेव जी उनको गोकुल में लेके गए, ठीक है। जब वो गोकुल में लेके गए तो रास्ते में जो है बहुत सारी बारिश हो रही थी। पहले तो गेट सब बंद थे, तो एक एक करके सारे गेट खुल गए, एक एक करके सारे पहरेदार सो गए, है ना। सब कुछ जो है इस तरीके से बड़ा आसान हो गया। क्यों नहीं होगा, जो व्यक्ति स्वयं भगवान को अपने साथ लेके जा रहा है, वो उसके लिए क्या बंधन हो सकते हैं, क्या अवरोध हो सकते हैं, उसके लिए दुनिया में कोई बाधा नहीं आ सकती। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण को, जो व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी, वो हर बाधा को पार करता चला जाएगा, अपने आप बाधा खत्म होती जाएगी। इसलिए जैसे ही कृष्ण ने, देखिए कृष्ण, उन्होंने कहा कि मेरे को गोकुल लेके जाओ, तो उनके वसुदेव के तो हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे जंजीरों से लोहे की। तो वो कह सकते हैं ना, अरे मेरे को कैसे, मैं नहीं कर सकता, मेरे देखो हाथ बंधे हुए हैं, ये क्या है। कई बार हमको जब सेवा मिलती तो हम कहते हम कैसे कर सकते हैं, हमको तो आता नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर के बहाने। लेकिन बस जी ने कोई बहाना नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही भगवान को उठाया, उठाने का प्रयास किया। तो जैसे ही उठाने का प्रयास किया, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जैसे उठाने का प्रयास किया, उनके हाथ की जंजीरें खुल गई, पैर की नहीं खुली। क्योंकि कभी भी ऐसा आ सकता है कि ऐसे कैसे होगा। तो जिसको भगवान में विश्वास है उसको बस आगे बढ़ जाना है, बंधन अपने आप कट जाएंगे। लेकिन हम उसको सोचेंगे अरे ये है, ऐसे कैसे होगा, अब कैसे होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ना है कृष्ण को साथ लेके, बस। तो बढ़ गए, हाथ की जंजीरें खुल गई, पैर की नहीं खुली। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उनको तो बस दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, कृष्ण ने कहा है
गोकुल लेके चलो, मुझे लेके चलना है। तो जैसे ही उठा लिया आगे बढ़े तो पैर की खुल गई, लेकिन अभी गेट नहीं खुले। अब वो ये नहीं देख रहा, अरे अब मैं कैसे जाऊंगा, गेट तो बंद है, कुछ नहीं। उनको बस इतना दिख रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, कृष्ण को लेके गोकुल जाना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते गए, पहला गेट खुल गया, दूसरा नहीं खुला, और आगे बढ़े तब दूसरा, ऐसे करके सारे गेट खुल गए, पहुंच गए आगे। बारिश हो रही है बहुत तेज, कोई रुकावट नहीं है, पर भी बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप अनंत शेष आ गए ऊपर से और कृष्ण की रक्षा करने लगे। ठीक है, इस तरीके से इतनी तेज बारिश हो रही थी। क्यों बारिश हो रही थी? बारिश इसलिए हो रही थी क्योंकि आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी में होता है अभिषेक, और भगवान तो प्रकट ऐसे हुए हैं अर्धरात्रि में कि कोई अभिषेक करने वाला नहीं है। तो मेघों ने बादलों ने सोचा, रहे तो बहुत अच्छा मौका है, वैसे तो भगवान हमेशा मंदिरों के अंदर रहते हैं, हमको तो कभी अभिषेक करने का मौका नहीं मिलेगा, और आज तो इनका जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, आज तो सबसे बढ़िया दिन है। तो बादलों ने खूब बारिश कर डाली कि आज तो अपन को सेवा करने का मौका मिला है, आगे मिला नहीं मिला, तो खूब अभिषेक किया भगवान का। इतना अभिषेक किया भगवान का कि बादलों का पानी खत्म होने लगा। तो फिर जाके समुद्र से पानी लेके आए और फिर अभिषेक किया, फिर समुद्र से पानी। समुद्र कहते भाई इतना पानी कहाँ ले जा रहे हो भाई, हैं? तो बादल कहते ऐसा है, ज्यादा बोलो नहीं, समझे? क्यों? क्योंकि हम ले जा रहे हैं तुम्हारे दामाद के लिए, हम अपने खर्चे के लिए नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हारे दामाद का ही अभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे बोला बादलों ने, ताकि समुद्र कहे अच्छा हमारे दामाद जी के लिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब दामाद जी कैसे, क्योंकि भगवान है लक्ष्मी के पति और लक्ष्मी है समुद्र की बेटी, तो उनके हो गए दामाद, तो निकल ले जाओ ले जाओ। तो समुद्र भी खूब भर भर के दे रहे थे पानी, और खूब अभिषेक हो रहा था भगवान का, लेकिन बीच बीच में बादल जो है वो समुद्र को चिढ़ा भी रहे थे कि देखो मैं तुमसे जा आगे निकल गया, कैसे? क्योंकि मेरा नाम आगे आएगा और तुम्हारा नाम पीछे आएगा। कैसे? तुम हो सागर और भगवान के नाम के पीछे आते हो, दया सागर, करुणा सिंधु, मैं सब सिंधु हिंदू सब पीछे, और मैं मेघ, भगवान का नाम क्या है? घन श्याम, घन पहले आया, मेघ वर्ण, मेघ पहले आया, तो कहते देखो मेरा नाम पहले आ रहा है ना। तो इस तरह से वो समुद्र को चिढ़ा भी रहा है। तो इस तरीके से ये लेके चले आगे, वसुदेव जी लेके जा रहे थे, और पीछे से अनंत शेष ने भी अपना जो है छत्र बनाया था। ठीक है, अब यमुना ने देखा कि यार इतना कौन आ रहा है, तो यमुना जी में खूब वो था बाढ़, खूब पानी उनका बढ़ा हुआ था। तो आचार्य लोग बताते क्यों पानी बढ़ा हुआ था, यमुना जी ने सोचा एक सर्प तो पहले ही यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है कालिया, अरे दूसरा आ रहा है, इसलिए पानी बढ़ाओ ताकि डर के ना आए, है ना। कुछ आचार्य कहते हैं कि यमुना जी बाद में, यमुना जी की शादी होगी कृष्ण से, तो उनकी पत्नी बनना है, तो यमुना जी ने सोचा कि मुझे एक दिन इनकी पत्नी बनना है, तो मैं कम से कम दिखाऊं तो अपना कि भाई मैं भी तुम्हारी पत्नी बनने लायक हूँ, तो मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊंगी। तो यमुना जी खूब बढ़ गई, ये लो ठीक है, तो मेरे में भी कुछ है। इस तरीके से कई सारे कारण बताए जाते हैं कि यमुना जी क्यों बढ़ गई। एनीवे बताते हैं कि वसुदेव ने जब देखा कि यमुना में इतना पानी है, तो योग माया वहाँ पे एक लोमड़ी के रूप में वहाँ से निकली, उस नदी से पार करके चली गई। तो वसुदेव ने उनको देख लिया कि जब ये निकल सकती तो मैं क्यों नहीं निकल सकता, तो वसुदेव जी उसके पीछे पीछे से निकल गए, और बिल्कुल वो डरे नहीं। ऐसे बताते हैं कि यमुना जी ने बिल्कुल ऐसे रास्ता दे दिया, तो पानी दोनों तरफ था, बीच में खाली था, वहाँ से निकल गए, है ना। और भगवान का चरण जो है थोड़ा बाहर आया, यमुना जी ने उनको टच किया और वह शांत हो गए। इस तरीके से भगवान जो है वसुदेव जी उनको यमुना पार लेके गए। ठीक है, तो उसके बाद वो गोकुल में गए, तो वहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, ठीक है, रात्रि में सब योग माया ने सबको सुला दिया था, ठीक है, और वहाँ पर सब लोग सोए हुए थे। रात्रि में जन्म हो गया किसी को नहीं पता, भगवान भी बड़े चालाक हैं, रोए भी नहीं, प्रकट हो गए अपना आराम सो रहे हैं, यशोदा माता को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। जब सुबह सुबह हुई तब भगवान रोने लगे, जब रोने लगे तो सब जग गए, और रात में क्या हुआ किसी को पता नहीं था, सब सो रहे थे। वसुदेव जी आए, जो बच्चा लाए हैं वहाँ से वासुदेव, है ना, वो यहाँ पे
रख दिया। यहाँ एक बच्चा पहले से था, लेकिन योग माया की वजह से इनको ये नहीं दिखा कि यहाँ एक बच्चा पहले से हुआ, इनको सिर्फ लड़की दिखी। तो इन्होंने उस बच्चे को छोड़ा और लड़की को लेके चले गए, और जिस बच्चे को छोड़ा वासुदेव को, वो स्वयं भगवान कृष्ण नंद नंदन में मिक्स हो गया, उनमें मिल गया, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का अंश था वो, तो उनमें मिल गया। और ये जो है वहाँ पे लेके उनको चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे फिर वो कंस को बताया कि वही लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है, इस तरीके से। और फिर वो योग माया जो थी या महामाया, वो वहाँ पे कंस ने उनको जब पटका तो वो प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो मारने वाला वो तो कहीं और हो चुका है, अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तो कंस को तो वैसे ही टेंशन हो गई, लेकिन कंस जो है दुर्गा का भक्त था। और यही जो जिस लड़की को उन्होंने पटका था, वही महामाया बाद में कंस को ये सब न्यूज़ देके और वो चलेंगी विंध्याचल पर्वत पर, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत पर जाके वो विराजमान है आज भी, उन्हीं को लोग विंध्यवासिनी माता के रूप में आज भी पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान का प्राकट हुआ। सुबह सुबह जब भगवान ने रोना चालू किया तो सबको पता चल गया, और अगले दिन जो है नंद महाराज ने खूब बड़ा उत्सव किया, उसी को कहते हैं नंदोत्सव, जो कि अगले दिन होता है ना। तो फिर नंदोत्सव हुआ, और उसमें खूब सभी देवी देवता आए, पूरे तीनों लोगों के सभी देवी देवता, ब्राह्मण सब लोग प्रसन्न थे, ब्रह्मा शिव सब नाच रहे थे उस दिन। इस तरीके से खूब हर्षोल्लास हुआ, और नंद महाराज ने सबको खूब दान दिया, है ना, भर भर के दान दिया। सब लोग आते थे, कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कोई गिनती नहीं, बस आते जा रहे हैं, दान लेते जा रहे हैं, इतना दान दिया। और सारे जो ग्वाले थे नंद महाराज के गांव के, जितने लोग थे, उन्होंने भी व्रत पूजा की थी नंद महाराज के लिए कि इनको हमारे राजा को पुत्र हो, तो वो सब भी बड़े प्रसन्न थे। इतने प्रसन्न थे कि लोग आते थे नंद महाराज के घर में दही और घी लेके, मक्खन लेके आते थे, और इतना वैभव था कि एक दूसरे के ऊपर खुशी के मारे वो मक्खन डाल देते थे, ऐसे उसके ऊपर सिर पे दही डाल देते थे, घी डाल देते थे। तो इसने कहा, अच्छा तुमने मेरे एक बाल्टी घी डाला, ये ले मैं तेरे को दो बाल्टी घी डालता हूँ, ऐसे करके सब एक दूसरे के ऊपर खुशी में घी और मक्खन एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इतना ऐसा वर्णन आ रहा है कि इतना घी मक्खन एक दूसरे के ऊपर उड़ेला गया खुशी के मारे कि वहाँ पर कीचड़ हो गया, घी का कीचड़। सुना कभी, खाने को नहीं मिल रहा आजकल घी, नंद महाराज में घी का कीचड़, दूध दही मक्खन का कीचड़ हो गया, उसमें सब लोट पोटे जा रहे हैं, बिल्कुल खुशी के मारे नाच रहे हैं, आनंद हो रहा है, घी दूध फैलाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, इतना आनंद हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से नंदोत्सव का जो है मनाया गया। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो उसी को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। शास्त्र में एक और बात आती है कि कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में कृष्ण अवतार होता है, क्योंकि ये जो कृष्ण अवतार हुआ तो द्वापर युग की बात है। कलयुग में वैसे कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, कली काल में कलयुग के समय में कृष्ण अवतार कैसे होगा, नाम रूप में, यानी कि भगवान के नाम रूप में, क्योंकि नाम और नामी, यानी कि नाम और जिसका नाम है, यानी कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो जब हम कृष्ण का नाम बोलते हैं तो ये मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र यही तो शास्त्र का वाक्य क्या है, कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार होगा। तो जैसे हमने कहा कृष्ण तो अवतार हो गया, तो जैसे कोई शुद्ध भक्त बोलता है भगवान का नाम तो कृष्ण प्रकट हो गया, कृष्ण ही है वो, तो वो भी अवतार है। तो इस तरीके से जब भी कृष्ण जन्माष्टमी है उसको भी जन्माष्टमी ही समझना चाहिए। इसलिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमको बिल्कुल, जैसे जन्माष्टमी आते समय कितना लोग अलर्ट रहते हैं, त्योहार पूरा सजाते हैं सब बढ़िया, तो हम जब नाम जप कर रहे हैं तब भी तो जन्माष्टमी ही है, बार बार कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो नाम के रूप में भगवान अवतार ले तो रहे हैं। यार जन्माष्टमी क्या मतलब है, अवतार लेना, भगवान अवतार ले रहे हैं नाम के रूप में,
हमेशा ले रहे हैं, बार बार नाम कृष्ण का बोल रहे हैं और बार बार कृष्ण नाम रूप में अवतार ले रहे हैं, तो जन्माष्टमी, इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए भगवान का नाम का जप करते समय, है ना। तो भगवान ने जब प्रकट हुए तो जो है देव सात में बलराम जी, आठ में कृष्ण जी, है ना। तो एक दिन और हमने बताया था कि जो है जब ये छह पुत्र पहले मरे देवकी के, फिर साथ में बलराम जी जिनको भगवान ने कहा योग माया से, तो रोहिणी के घर में स्थानांतरित हुए, वहाँ से प्रकट हुए, आठवें स्वयं भगवान प्रकट हुए, है ना। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में भी हमें कृष्ण को प्राकट्य कराना है तो पहले ये जो छह अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद माने घमंड, मत्सर माने ईर्ष्या, है, तो जब ये छह चीज़ें हमारे ख़त्म हो जाएंगी तब जो है हमें बलराम जी के रूप में गुरु कृपा प्राप्त होगी। बलराम जी क्या करते हैं कि हमारे हृदय को, जैसे बलराम जी के पास होता है हल, तो बलराम जी हल से क्या होता है कि ज़मीन को बीज उगने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, है ना। हार्ड होती है तो हल चला के सॉफ्ट कर दी जाती है, तो बलराम जी इसी तरह अपनी कृपा करके हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाते हैं ताकि उसमें कृष्ण भक्ति का बीज आसानी से उग सके, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको भगवान के नाम का जप निरंतर जप, अब कैसे होगा ये छह अनर्थ कैसे खत्म होंगे, श्रवण कीर्तन से कंटिन्यूसली निरंतर भगवान के नाम का जप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए, उससे हमारे हृदय में ये छह अनर्थ खत्म होंगे। और यही बलराम जी की कृपा का क्या मतलब है, गुरु की कृपा, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, है ना, और जो गुरु होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु कृपा कैसे मिलेगी जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने हमको आदेश दिया कि उनकी पुस्तकें डेली पढ़ी जाएं, तो चार नियम का पालन किया जाए, है, तो हम उनकी पुस्तकों को डेली पढ़ें, चार नियमों का पालन करें, है ना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी ये सब ना खाएं, नशा ना करें, है ना, जुआ शराब ये सब अवैध संबंध, ये सब चार नियमों का हम पालन करें, भगवान के नाम का जप करें, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को डेली पढ़ें, कृष्ण कथा सुने, इससे हमारे हृदय में जो छह अनर्थ हैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर हमको जो है उसी को तो फिर गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी, दीक्षा होती है उसको भगवान का धाम मिलता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको इसे समझना चाहिए और आज जन्माष्टमी के दिन हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो है अपने गुरु के आदेशों का पालन कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें। सबसे आसान काम है तीन चीज़ करना चाहिए, वैष्णव सेवा, नाम रुचि जीव दया, वैष्णव सेवा, तीन चीज़ें, नाम रुचि भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए और जीवों पर दया करना चाहिए, सभी जीवों पर, किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो, भले कोई कुछ करे लेकिन हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, ना। भगवान श्री चैतन्य चरितामृत में एक भक्त हैं, उनको अगर कोई काटता भी है तो वो जो कीड़ा है उसको वो गिरने, अगर वो गिर जाता तो उसको वापस रख लेते कि तेरा डिस्टर्ब ना हो, तू काटता रहे, है ना, इस तरह की चीज़ें, किसी को हमारी तरह से कोई कष्ट ना हो, इसे कहते जीव दया, किसी को भी किसी तरह से कोई कष्ट ना हो, ना हमारे, तीन तरीके से हैं, मानसिक मनसा वाचा करना, हमारे मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे एक्शन के द्वारा हम किसी को कोई कष्ट ना दें, इसे कहते हैं जीव दया। और निरंतर नाम भगवान के नाम का जप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, तो हमको नाम रुचि आएगी हमेशा। और तीसरा वैष्णव की सेवा करें, तो जो दूसरे भक्त हैं, जो दूसरे लोग भगवान के नाम का जप करते हैं वैष्णव हैं, उनकी हम सेवा करें, है ना, जितना ज़्यादा मौका हमको मिले। वैष्णव के संग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब वैष्णव साथ साथ होते हैं तो एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमें नाम रुचि प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जन्माष्टमी के दिन ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम उस चीज़ को समझ सकें कि नाम जप करते समय भी अवतार हो रहा है, वो भी नाम है, ठीक है, वो भी जन्माष्टमी है,
है ना। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, ताकि हम लीलाओं का श्रवण करें। भगवान प्रकट हुए, हम लोग तो कथा सुनते ही नहीं है, तो भगवान का क्या फायदा हुआ है आने से? हम लोग तो नहीं समझ पा रहे। भगवान इतनी कृपा की है कि वो आए, हमको लीलाएं दिए, उनके भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने उन लीलाओं को किताबों में लिखा, है ना, हम उनको पढ़ नहीं रहे, तो हमारी मूर्खता हुई ना। क्योंकि अगर हम वो पढ़ेंगे, उन कथाओं को सुनेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार अनेक अनेक माताओं के गर्भ में जाना पड़ेगा और इस भौतिक जगत के कष्टों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए कि, रूपा जी कहते हैं कि बस मनुष्य जन्म मिल गया, अब और जन्म नहीं, इसी जन्म में हमको इसको पूरा करना है। ये भौतिक जगत के बंधन, माँ बाप भाई बहन, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो शाश्वत संबंध है वो कृष्ण से है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा। भगवान गीता में कह रहे हैं, किसके लिए रो रहे हो? शरीर के लिए रो रहे हो, यहीं पड़ा है। आत्मा के लिए रो रहे हो, कभी नहीं मरी, तो रो किसके लिए रहे हैं हम? तो इस बात को हमें समझना चाहिए, और आज जन्माष्टमी के दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान का नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए, और जो है वैष्णवों की सेवा करें, उनको दान दें, जो भी आपसे बन सके आप करें। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराशि में भागवतम की जय, जन्माष्टमी तिथि महामहोत्सव की जय, हरे कृष्णा।